की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 11 जून 2021 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जिसमें सीएम साहब जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में कोरोना कर्फ्यू और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, जिसको मैं आज YT भारत चैनल पर प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ वेबसाइट, ट्रैवल कंपनीज और YouTube चैनल खबरों में मिलावट करके आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी तरह के फ्रॉड से YT भारत चैनल हमेशा आपको अलर्ट करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। इसके लिए आज ही YT भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमें मोटिवेट करते रहें। दोस्तों अभी 85.5% हमारे व्यूअर चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ही देख रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको ले चलते हैं दैनिक जागरण की वेबसाइट पर, जहां हिमाचल ई पेपर के माध्यम से इस खबर की बारीकियों को हम जानेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं दैनिक जागरण के ई पेपर की वेबसाइट में। 12 जून 2021 का ये पेपर है। इस खबर को ऑथेंटिकेट करने के लिए इससे बढ़िया माध्यम हो नहीं सकता। आइए आपको इस खबर की बारीकियों के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमण की दर घटने पर सरकार ने कुछ छूट दी है। राज्य के भीतर 50% कंपेंसी के साथ बसें चलेंगी। मतलब पहली खबर यह है कि 50% के साथ राज्य के अंदर जो बसें चल रही हैं, चाहे प्राइवेट हों चाहे HRTC की बसें हों, वो अब चलने को तैयार हो चुकी हैं। 14 जून 2021 से आप इन बसों में बैठ सकते हैं। 14 जून के बाद से राज्य के बाहर से आने वालों को अब कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि जो RT-PCR की रिपोर्ट लेकर के आप ही आ पा रहे थे, हिमाचल के अंदर एंट्री कर पा रहे थे, वो रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई है। ये सबसे बड़ी दूसरी न्यूज है, बिना RT-PCR रिपोर्ट के अब आप हिमाचल में एंट्री कर सकते हैं। अपनी गाड़ियों में आइए, चाहे बाइक पर बैठ करके आइए और आप इंजॉय करिए। अगली खबर पर चलते हैं। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से 5 बजे शाम तक खुलेंगी। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण लगाए कोरोना कर्फ्यू में राहत देते सरकार ने अन्य कई अहम फैसले लिए हैं। सभी फैसले 14 जून से लागू होंगे। यह बैठक शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि अब दुकानें 5 बजे तक खुल सकेंगी, हालांकि शनिवार व रविवार को पहले की तरह दुकानें बंद रहेंगी। प्रदेश में प्रवेश करने के लिए RT-PCR रिपोर्ट की शर्तें समाप्त कर दी गई हैं और धारा 144 भी हटा दी गई है। अब दोस्तों इस खबर को थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए आइए अब चलते हैं पेज 3 पर। दोस्तों हम आ चुके हैं पेज 3 पर और पढ़ते हैं आगे खबरें। हिमाचल प्रदेश में 1 महीने बाद परिवहन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। सरकारी बसें कोरोना कर्फ्यू के 7 मई से धूल फांक रही थीं, जबकि निजी बसें 5 मई से ही बंद हैं। निजी बस ऑपरेटर तब से हड़ताल पर हैं। अभी सरकार ने अन्य राज्यों के लिए बसें बहाल नहीं की हैं। मतलब दिल्ली से अगर आप बैठ करके जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ से, उत्तराखंड से, तो वॉल्वो सरकारी कोई भी बस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अंतरराज्य बस सेवा पूरी तरह से अभी बंद रहेगी। जब तक कि कोरोना संक्रमण की स्थितियों में सुधार नहीं हो जाता, तब तक ये बसें आरंभ नहीं होंगी। शिमला में शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के अंदर बसें आरंभ करने का बड़ा फैसला किया गया। ये बसें 50% कंपेंसी के साथ चलेंगी। कोरोना काल में पहले भी 50% कंपेंसी के साथ बसें चलाई गई थी। तब लोग कोरोना के डर से घरों से कम संख्या में बाहर निकल रहे थे। पिछले वर्ष के अंत में सरकार ने कंपेंसी 100% तक कर दी थी। खड़ी सवारी ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उधर HRTC के प्रबंधक निदेशक संदीप कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कर्फ्यू के दौरान 24 घंटे ये बसें चलेंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी इससे जुड़े हुए कोई भी अगर सवाल आपके रह जाते हैं तो YT भारत पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला कोई भी हिमाचल का पैकेज लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी से आप संपर्क करके सारी जानकारी हासिल कर लीजिए और पैकेज को बुक करवा लीजिए। मिलते हैं इस तरह के YT भारत के अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार।